हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग IMRE जो कि हमारे पॉलिटेक्निक के 6th सेमेस्टर में उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों मैं इसके पहले थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इसके पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दी, ये हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है और मैंने थ्योरी प्रॉपर तरीके से सेकंड चैप्टर तक अच्छे से करवा दी। तीसरा चैप्टर हमारा थ्योरी पे भी चल रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से मैं आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप अच्छे से सॉल्व कर पाएँ, अच्छे से तैयारी कर पाएँ, वो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इसके साथ मैं EDD सेकेंड और UEE उसके भी अच्छे से चैप्टर कम्प्लीट करवा। आज हमारा इल्यूमिनेशन चैप्टर उसके भी 70 ऑब्जेक्टिव, ठीक है दोस्तों, वो भी मैंने आज कंप्लीट करवा दिए हैं। तो अगर अभी तक आपने ये सब नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए चैनल पर, प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ जाके प्रॉपर आप देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक ये सिलेबस एक्चुअली मैं इस वजह से दिखा रहा हूँ क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप ऐसा सोचेंगे कि ये सारी चीज़ें आपके उसमें सिलेबस में नहीं है, केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ाने के लिए नहीं दोस्तों। ये आप सिलेबस देख लीजिए कि ये हमारा जो दूसरा चैप्टर उसका 2.3 यानी कि इंस्पेक्शन एंड हैंडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट उसका जो सिलेबस है उसके अंदर ये देखिए, इसमें आइसोलेटर, बस बार और ये लाइटनिंग अरेस्टर, कंट्रोल रिले, ब्रेकर्स, स्विच, ये सारा का सारा इसमें है सिलेबस में, ठीक है दोस्तों। उसी के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाए जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा HRC फ्यूज में एक आर्क क्वेंचिंग माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। सिंपल सा दोस्तों, आप ये समझिए कि जहाँ पर जो आपको कंटेंट्स दिया जाए बहुत ही एक अच्छा कंटेंट्स दिया जा रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें बताया गया कि जो हमारा HRC फ्यूज होता है उसमें आर्क क्वेंचिंग मतलब जो होता है हमारी आर्क बनती है, क्वेंचिंग मतलब होता है बुझाने के लिए। तो ये जो बुझाने का जो माध्यम है वो कौन सा उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, चार ऑप्शन, पहला ऑप्शन है प्लास्टर ऑफ पेरिस, दूसरा है ऑर्गन गैस, तीसरा है माइका, चौथा है एल्यूमिनियम। तो कौन सा दोस्तों होता है, तो मैं आपको बता दूं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, आर्क को क्वेंच करने में करते हैं, बुझाने में करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से पहला ऑप्शन हमारा सही। दूसरा क्वेश्चन है HRC फ्यूज निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें पूछा गया जो हमारा HRC फ्यूज होता है वो किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, तो पहला ऑप्शन है आग, दूसरा है चिंगारी, तीसरा शॉर्ट सर्किट, चौथा है आकाशीय बिजली, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कौन सा, तो इसमें शॉर्ट सर्किट से हमारी HRC फ्यूज हमारी सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है दोस्तों। इसमें सी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक फ्यूज सामान्यतः एक उपकरण है, यानी कि जो हमारा फ्यूज होता है वो कैसा उपकरण होता है, सिंपल सा। तो इसमें से पहला ऑप्शन है हमारा वोल्टता सीमित, दूसरा है धारा सीमित, तीसरा है शक्तिगुणक सुधारक, चौथा है शक्ति सीमित, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा फ्यूज होता है वो हमारा एक धारा सीमित उपकरण होता है। कैसा होता है, धारा सीमित उपकरण होता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप जो फ्यूज होता है उसके बारे में कुछ आपको पॉइंट्स यहाँ पर बता रहा हूँ, उनको आपको याद रखना है। जैसे कि फ्यूज हमारा हमेशा किस में यूज होता है, फ्यूज हमारा हमेशा फेज वायर में यूज होता है, किस में यूज होता है, फेज वायर में होता है। फ्यूज हमारा हमेशा हमारा सीरीज में यूज होता है, कैसे यूज होता है, सीरीज में यूज होता है। और जो फ्यूज की कंडक्टिविटी यूज, अब सिंपल सा है उसका, आप सीरीज में यूज कर रहे हैं तो उसकी कंडक्टिविटी भी कैसी होती है, हाई होती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं सबसे पहले चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि फ्यूजिंग करंट क्या होती है, एक्चुअली में जो फ्यूजिंग करंट क्या होती है। तो पहला ऑप्शन है अधिकतम धारा जिस पर फ्यूज तत्व गर्म हो जाए, फ्यूज का निर्धारित धारा होती है यानी कि रेटेड करंट होती है, न्यूनतम धारा जिस पर फ्यूज तत्व गर्म हो जाए, या फिर अधिकतम धारा जिस पर फ्यूज तत्व गल जाए, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो फ्यूजिंग करंट होती है वह करंट होती है जिसमें जो हमारा जो एलिमेंट है या फिर फ्यूज तत्व है वो कैसा हो जाए, वो हमारा न्यूनतम धारा पर जिस पर हमारा फ्यूज तत्व गर्म हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हम लोग चलते हैं पाँचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक फ्यूज वायर में होना चाहिए, यानी कि एक फ्यूज वायर में हमारा क्या होना चाहिए, तो जो एक फ्यूज वायर में हमारी उसकी क्या होनी चाहिए, सिंपल सा, सीरीज में यूज होता है। तो पहला इसमें ऑप्शन है कि उच्च गलनांक बिंदु, दूसरा है उच्च ओमी हानि, तीसरा उच्च चालकता है, चौथा है उच्च क्षय। तो मैं आपको बता दूँ फ्यूज वायर में हमारी क्या उच्च होनी चाहिए, उसकी चालकता उच्च होनी चाहिए। क्या उच्च होनी चाहिए, उसकी चालकता उच्च होनी चाहिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग छठवें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा फ्यूज प्रचालन में बहुत तेज या फास्ट होता है, ठीक है दोस्तों। तो सिंपल सा मैं आपको, पहला ऑप्शन है इसमें कौन सा, सेमीकंडक्टर फ्यूज, दूसरा है उच्च विभाग कैपेसिटी फ्यूज, तीसरा है कार्ट्रिज फ्यूज, चौथा है किटकैट फ्यूज। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो हमारा ऑपरेटिंग में यानी कि जो सबसे तेज होता है वो होता है हमारा कौन सा, सेमीकंडक्टर फ्यूज। कौन सा, सेमीकंडक्टर फ्यूज ऑपरेटिंग में बहुत ही तेज होता है, ठीक है दोस्तों। हम लोग सातवें क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। उचित प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए
परिपथ में फ्यूज को किस प्रकार संस्थापित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए वही दोस्तों यही ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मैं आपको बताऊँ, मैंने पहले ही बताया था कि सिंपल सा क्या होता है कि जो हमारा फ्यूज होता है उसको हम लोग किस में हमेशा यूज करते हैं, उसको हम लोग श्रेणी में यूज करते हैं, यानी कि हमारा लोड के साथ श्रेणी में यूज होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है। इसके बाद आठवें क्वेश्चन की तरफ, एच वी डी सी परिपथ वियोजक की उच्च आंकड़ों की योग्यता प्राप्त करने के उद्देश्य संचार के निम्न में से कौन सा एक प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि संचार माध्यम के साथ जो एच वी डी सी परिपथ वियोजक होते हैं उनकी उच्च गुणवत्ता की योग्यता प्राप्त करने के लिए किसके साथ यूज करते हैं, तो हम लोग निर्वात इंटरप्टर के साथ यूज करते हैं। किसके साथ, निर्वात इंटरप्टर, निर्वात इंटरप्टर यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही। दोस्तों देखिए दोस्तों, इतना ज़्यादा टफ नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन आया तो मैंने इसको यहाँ पर कंटेंट बनाते हुए बना रख दिया है। अब हमारा नवा क्वेश्चन है कि अंतिम चिंगारी बुझाने के बाद सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट के बीच वोल्टता को क्या कहते हैं, यानी कि जो हमारी अंतिम चिंगारी बुझाने के बाद सप्लाई फ्रीक्वेंसी और सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट भी वोल्टता को क्या कहा जाता है सिंपल सा, तो उसको कहा जाता है हमारा रिकवरी वोल्टेज। क्या कहा था सिंपल सा, उसको कहा जाता है रिकवरी वोल्टेज। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है। इसका हम लोग दसवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, परिपथ वियोजक का संपर्क प्रतिरोध होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या पूछा गया कि जो हमारे परिपथ वियोजक होते हैं उनका संपर्क प्रतिरोध होता है। दोस्तों मैं बता दूं कि जो उनका परिपथ वियोजक होता है उनका संपर्क प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, बहुत ही कम होता है, कितना होता है, 4 ओम होता है, कितना होता है, 4 ओम होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगले 11वें नंबर क्वेश्चन चलते हैं, मोल्डेड केस परिपथ वियोजक का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला इसमें ऑप्शन है अतिभार लघु परिपथ, अतिभार सुरक्षा, लघु परिपथ सुरक्षा, खुले परिपथ की सुरक्षा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो हमारे मोल्डेड केस परिपथ वियोजक होते हैं उनका इस्तेमाल ओवरलोड और लघु परिपथ सुरक्षा के लिए किया जाता है, यानी कि अतिभार और लघु परिपथ सुरक्षा के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के परिपथ वियोजक की रेटिंग उच्च होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पहला इसमें ऑप्शन है लघु परिपथ वियोजक, दूसरा है तेल परिपथ वियोजक, और सॉरी तीसरा है हमारा वायु परिपथ वियोजक, चौथा निर्वात परिपथ वियोजक। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे परिपथ वियोजक होती हैं तो उनकी वायु परिपथ वियोजक इनकी रेटिंग क्या होती है, हाई होती है। ठीक है दोस्तों, इसके 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, परिपथ ब्रेकर का कार्य क्या होता है, यानी कि जो सर्किट ब्रेकर होता है इनका कार्य क्या होता है। देखो दोस्तों, बहुत ही ऐसे बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपके इसमें एग्जाम्स में नहीं बनने वाले दोस्तों, बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से मैंने इसी तरीके के क्वेश्चन इसमें आपको पुट अप किए हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला हमारा ऑप्शन है परिपथ की अच्छा करना, परिपथ को चालू या बंद करना, मानव जीवन की अच्छा करना, इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सा आपको पता है कि परिपथ को चालू या बंद करने के लिए आइसोलेटर वगैरह का भी यूज होता है, हाँ परिपथ ब्रेकर का भी यूज होता है, लेकिन वैसे नहीं, लेकिन वैसे जो हमारा मेनली वर्क होता है वो सर्किट ब्रेकर का वो होता है कि परिपथ को क्या करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए। क्या होता है, परिपथ को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमारा परिपथ वियोजक का सर्किट ब्रेकर का कार्य होता है। ठीक है दोस्तों, इसका 14 नंबर हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस उपकरण में धारा रेटिंग आवश्यक नहीं है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऐसे कौन सा है जिसमें धारा रेटिंग की आवश्यकता नहीं होती। तो पहला इसमें ऑप्शन है सर्किट ब्रेकर, दूसरा ऑप्शन है रिले, तीसरा ऑप्शन है आइसोलेटर, चौथा है लोड भंजक। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो सर्किट ब्रेकर है, रिले हो गए, लोड भंजक, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं धारा रेटिंग मतलब इनमें आवश्यक होती है। जो आइसोलेटर होता है दोस्तों, क्या होता है, जो आइसोलेटर होता है उसमें धारा रेटिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, परिपथ वियोजक में आर्किंग संपर्क किससे बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि जो हमारे परिपथ वियोजक होते हैं वो आर्किंग जो संपर्क होते हैं वो किससे बने होते हैं। दोस्तों तो ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप कमेंट्स करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से मैं एक दो क्वेश्चन जरूर ऐसे छोड़ा करूँगा, इसे आप कमेंट्स करके बताइए ताकि मैं इसे पता चले कि आप वीडियो को पूरा और अच्छी तरीके से देखते हैं या नहीं देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपके फायदे के लिए है। इसका 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि बहु तेल परिपथ वियोजक के लिए उपयुक्त है। जो बहु तेल परिपथ वियोजक होता है वो किसके लिए उपयुक्त होता है। पहला ऑप्शन है इसमें उच्च वोल्टेज प्रणाली, दूसरा निम्न वोल्टेज प्रणाली, तीसरा अति उच्च वोल्टता, या फिर मध्यम वोल्टता प्रणाली। तो मैं आपको बता दूं जो हमारे बहु परिपथ वियोजक होते हैं वो किसके लिए, उच्च वोल्टेज प्रणाली के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है कि मोह रिले का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन है दीर्घ संचरण लाइन, तीसरा है मध्यम संचरण लाइन, सॉरी दूसरा है मध्यम संचरण लाइन, तीसरा है लघु लंबाई, तीसरा इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं जो मोह रिले होता है उसका उपयोग हम लोग मध्यम संचरण लाइन के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है कि जब धारा एक निर्धारित मान से अधिक बहने लगती है तब किस रिले का प्रचालन किया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है हमारा अतिधारा रिले, तीसरा डिफरेंशियल रिले, सॉरी तीसरा स्थैतिक रिले, दूसरा डिफरेंशियल रिले, और चौथा है तारशील रिले। तो मैं आपको बता दूं कि जब हमारी धारा एक अति निर्धारित मान से अधिक बहने लगती है तो हम लोग अतिधारा रिले का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं ओवर करंट रिले का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है कि रिले है, रिले किस प्रकार की डिवाइस है। तो रिले मैं आपको बता दूं, रिले पहला ऑप्शन है मैकेनिकल स्विच, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक स्विच, सॉरी दूसरा इलेक्ट्रॉनिक स्विच, तीसरा
मैकेनिकल स्विच चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो रिले है वो हमारी कैसी है, एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच है। कैसी है? एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, अर्थ परिपथ वियोजक अर्थ ब्रेकर परिपथ में प्रयोग होता है, यानी कि अर्थ ब्रेकर परिपथ में क्या प्रयोग होता है। तो पहला ऑप्शन है ध्रुवीय रिले, दूसरा रेड रिले, तीसरा लैचिंग रिले, चौथा मशीन टूल रिले। तो मैं आपको बता दूं, जो अर्थ परिपथ ब्रेकर परिपथ होते हैं उनमें हम लोग लैचिंग रिले का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? लैचिंग रिले का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से मैंने आपको 220 क्वेश्चन करवा दी। ये 500 क्वेश्चन की दोस्तों सीरीज है। दोस्तों अगर आप इसका PDF चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का नाम है पॉलीटेक्निक लर्निंग 77। क्या? पॉलीटेक्निक लर्निंग 77, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल का ही नाम है। ठीक है दोस्तों, अगर ये आप जाके डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई, वहाँ से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ अब इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सब कुछ चीज़ें कंप्लीट करें, सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियोज़। थैंक यू दोस्तों।